नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज नौकरी सीरीज के सेकंड एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। आज हम जो वैकेंसी लाए हैं तो कुछ इसमें थोड़ा डिटेल बताएंगे, लेकिन कम रहेंगी वैकेंसी, लेकिन डिटेल बताएंगे। और ये जो वीडियो है हर एक दूसरे दिन अब आया करेगा, है ना यार। अब आज जो फर्स्ट वैकेंसी है UPPCL की, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसकी जो वैकेंसी, इसमें वैकेंसी आई, किसकी वैकेंसी आई है, असिस्टेंट अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2022, है ना। अब इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट है, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है 8/11/2022 से 28/11/2022 तक, मतलब कि 8 नवंबर 2022 से 28 नवंबर 2022 तक इसका फॉर्म चलेगा। और इसकी एग्जाम डेट जो है, इसकी एग्जाम डेट होगी जनवरी 2023 में लगभग, अप्रॉक्सीमेट। और जो एप्लीकेशन, जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है इसकी है जनरल OBC EWS की है 1,180 रुपये है। और इसी के साथ साथ जो SC ST की जो फीस है 826 रुपये है। और इसमें जो एज लिमिट है, 1/1/2022 तक जो एज लिमिट रहेगी, मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर रहेगी, मतलब 40 ईयर्स रहेगी। अब टोटल पोस्ट जो है UPPCL में असिस्टेंट अकाउंटेंट की, टोटल पोस्ट है 186, 186 पोस्ट है किसकी, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट की। और जो इस एलिजिबिलिटी जो है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, BCom मतलब कि आपने किया हो किसमें, कॉमर्स में, सॉरी बैचलर डिग्री किया हो किसमें, कॉमर्स में, ये आपकी फर्स्ट जॉब हो गई। इसी तरीके से अब सेकंड जॉब, मतलब कि जॉब के लिए जो है नोटिफिकेशन आया है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ स्थित है, पांडुचेरी में स्थित है। इसमें किसकी पोस्ट आई है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई, किसकी, नर्सिंग ऑफिसर की पांडुचेरी में, जिसको बोलते हैं JIMPR शॉर्टकट में। तो JIMPR में पांडुचेरी में आई है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022, है ना, ये पोस्ट आई है। अब इसका जो एप्लीकेशन डेट है स्टार्ट होगा 7/11/2022, 7 नवंबर 2022 से 1/12/2022 तक, मतलब 1 दिसंबर 2022 तक आपका इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो इसका एग्जाम डेट है, इसका जो एग्जाम डेट है 18/12/2022 तक, मतलब कि 18 दिसंबर 2022 को इसका एग्जाम डेट होगा। इसी के साथ अब इसकी एप्लीकेशन जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC EWS की जो फीस है 1500 है, और इसी के साथ SC ST की जो फीस है 1200 रुपये फीस है ना, किसकी, एक नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है। और इसमें जो एज लिमिट है, 1/12/2022 तक आपको कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, क्या इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब टोटल पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट है 433, 433 पोस्ट है। अब पोस्ट का नाम क्या है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है ना। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री इन साइंस, मतलब बैचलर डिग्री इन साइंस BSc नर्सिंग आपको कंप्लीट होना चाहिए, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, है ना, इसके बाद ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जितनी मैं आपको जो जॉब आई हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जब आप फॉर्म भरने जाएं तो उसके बारे में एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के जाएं। यहाँ मैं आपको शॉर्ट डिटेल दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल, हम स्टूडेंट डेस्क में जाएंगे तो वहाँ आपको इसका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए नहीं मिल पाया तो आप इन सब की वेबसाइटों में जाके आप इसको देख सकते हैं, क्या इन सभी वैकेंसी के बारे में। अब इसके बाद जो थर्ड जो वैकेंसी आई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई है, सेल में, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अब इसके जो वैकेंसी आई है सेल में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल, है ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल MTT रिक्रूटमेंट 2022, है ना। अब इसकी जो एप्लीकेशन जो डेट है ना, एप्लीकेशन जो इसका स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 3/11/2022 से, 3 नवंबर 2022 से 23 नवंबर 2022 तक। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन जो फीस है जनरल OBC EWS की, जनरल OBC EWS की जो फीस है 700 रुपये है, और SC ST की जो फीस है वो 200 रुपये है। अब इसमें जो एज लिमिट है, 23/11/2022 तक आपको कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स,
है ना। अब जो एज रिलैक्सेशन जो होगा उसका पूरा नोटिफिकेशन जो भारत सरकार हो या सॉरी जो स्टेट की वैकेंसी है, स्टेट की वैकेंसी के अनुसार जो एज रिलैक्सेशन होगा स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, और जो सेंट्रल की जो जॉबें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। अब इसमें जो टोटल पोस्ट है 245 पोस्ट है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी जो है और जो कैटेगरीज वाइज मैं नहीं बता रहा हूँ, टोटल पोस्ट है कैटेगरी वाइज बताना तो सही नहीं है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें जो बी और बी टेक आपका कंप्लीट होना चाहिए और इसमें 65% आपका डिग्री होनी चाहिए। बी या बी टेक किसी की डिग्री किए हों मिनिमम आपके 65% होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपका गेट 2022 क्लियर होना चाहिए, है ना। या फिर आप 2021 दिया हो, 2 साल का वैलिड होता है, तो आपका ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब इसमें जो ट्रेड है मतलब कि जो ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं। किसमें? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, है ना, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसी के साथ जो साथ जो चौथी जॉब जो आई है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जॉब वैकेंसी आई है वो किसके अप्रेंटिस के लिए है, अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई है। तो इसके जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है, एप्लीकेशन 7/11/2022 से 22/11/2022 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि 7 नवंबर 2022 से 22/11/2022 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ इसकी एप्लीकेशन जो फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की और SC ST किसी की भी जो किसी भी कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो इन सब की फीस कितनी है? 0 रुपये है ना। अब इसमें जो एज लिमिट है आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। ITI जो किया बंदा हो उसके लिए मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। और इसी के बाद जो ग्रेजुएट है ना, टेक्नीशियन अप्रेंटिस हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट की कोई भी सीमा नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, है ना। अब इसमें टोटल पोस्ट है 1216 पोस्टें हैं, 1216 पोस्टें हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, देखो इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आई है मतलब कि अप्रेंटिस होगी, ITI वालों के लिए अलग है, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग है, डिप्लोमा वालों के लिए अलग है, इन सब के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फर्स्ट, और इसके बाद जो ग्रेजुएशन करके करेगा उसके पास बी या बी टेक की डिग्री होनी चाहिए। किस ब्रांच में? माइनिंग इंजीनियरिंग में ब्रांच होनी चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास, ट्रेड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और इसके या फिर माइनिंग और माइन सर्वेइंग आपके पास डिग्रियाँ होनी चाहिए, डिप्लोमा हो या बी टेक हो इन सब की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल सॉरी ITI वालों के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी का फॉर्म मैं एक बार और आप लोगों को बताए दे रहा हूँ कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट डेस्क में जाके इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और इसी के साथ आप इन सब की वेबसाइट में जाके डायरेक्ट आप वैकेंसी डाल दीजिए गूगल में, सब सर्च हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करिए, उस नोटिफिकेशन को एकदम पूरे अच्छे तरीके से रीड पढ़िए, इसके बाद फॉर्म भरने जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बताया हूँ, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं इसमें शॉर्टकट बताया हूँ, और आप जाके एक बार डिटेल पढ़ेंगे तब आप लोगों को और समझ में आएगा। क्योंकि जब हम बनाते हैं, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी कुछ भी हो, जब बनाता है वीडियो तो अधिकांशतः यही सोचता है कि मैं जितना शॉर्ट कट करूँ उतना सही रहेगा, है ना। इसमें भी मैं शॉर्ट कट कर किया हूँ। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल में जाके हमारे इसका नोटिफिकेशन पूर्ण तरीके से देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।